आपका स्वागत है और मैं प्रिंस गोयल आपके साथ इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर निवास पर। मैं आपको बता दूं, जिस तरह अंदर से खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले मामले में। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम सभी विधायक, पार्षद, सचिव, सह सचिव, विधानसभा लेवल, वार्ड लेवल व प्रदेश लेवल तक के सभी पदाधिकारी व उनके कार्यकर्ता यहाँ पर सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम भारी पुलिस बल के साथ ईडी का दफ्तर और अरविंद केजरीवाल का दफ्तर पूरी चारों तरफ से घेर लिया गया है और अरविंद केजरीवाल जी के घर पर धारा 144 लगा दी गई है। और इंक्वायरी के हिसाब से माने तो अभी तक काफ़ी सारे लोगों को धारा 144 के तहत प्रिटेंड किया गया है। बाकी अन्य खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए AY मीडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। प्रिंस गोयल अपने साथी शरफ के साथ दिल्ली CM आवास से। ये जो आज केजरीवाल जी को ईडी द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा जग जाहिर है कि किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे ईडी आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुँच चुकी है। और मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत ही कायराना हरकत है। वो ये सोच रहे हैं कि इनके इस हरकत से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से दूर रखेंगे, वो उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को ये बता देना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सोच है, वो एक विचारधारा है। और ये विचारधारा और सोच लोग इस देश में फैला रहे हैं। और जो ये तानाशाही, गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के संविधान को तार तार करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये देश के सामने है। और आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। तो इसके आगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, हम आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष से लड़ाई उनके साथ खड़े हैं।